नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक लाइट में प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम कैसे हटाते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेसबुक लाइट में प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में फेसबुक लाइट को ओपन करना है। तो चलिए फेसबुक लाइट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर में आपका प्रोफाइल दिखेगा, अब आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है। जाने के बाद अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम हटाने के लिए सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रेम से, यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम हटाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो सिंपल आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल पिक्चर का सेक्शन बना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल फ़ोटो में जो भी फ़ोटो लगाए होंगे वह दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फोटो पर हम फ्रेम लगाए थे, तो यहाँ पर फ्रेम लग गया है और यहाँ से अब ये फ्रेम हट नहीं सकता है। तो सिंपल आपको जिस भी प्रोफाइल फ़ोटो को लगाना है या आपको नया चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, या आपको पुराने वाले ही प्रोफाइल फ़ोटो को रखना है तो आपको पुराना वाला जो फ़ोटो दिख रहा है इसमें, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मेक प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो गया है, यानी कि प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम हट गया है। तो सिंपल अब आपको यहां से बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को एक बार इस तरह से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम हट गया है। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक लाइट पे प्रोफाइल फ़ोटो से फ्रेम हटा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।